नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट की एक ऐसी सेल के बारे में जिसमें दोस्तों आपको अलग अलग तरह के डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर अलग अलग सेल चल रही हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन दोस्तों आज के टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड बना रही हैं। जैसे दोस्तों सोमी है, रेडमी और दोस्तों वीवो, ओप्पो वगैरह जो भी हैं, रियलमी वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड हैं जो हमें अच्छे अच्छे फ़ोन हर रेंज में देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट से किसी भी कंपनी का फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग सेल फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर दो सेल चलती है, एक नाम से, जिसमें दोस्तों आपको हर तरीके का स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बट दोस्तों, इसमें क्या है, आपको हर कंपनी अलग अलग सेल दे रही है। जैसे दोस्तों रियलमी की सेल है तो वो रियलमी सेल के नाम से है, वीवो की सेल अलग है, ओप्पो की अलग है और दोस्तों पोको कंपनी की अलग है, जिसमें दोस्तों अलग अलग टाइमिंग है और अलग अलग डेट दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आप फ्लिपकार्ट से किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन ले सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग सेल देखने को मिल रही हैं, जिसकी डेट भी दोस्तों काफ़ी अलग अलग हैं। कोई 8 तारीख तक चलने वाली है तो दोस्तों कोई सेल 9 जून तक चलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक अकाउंट की, तो दोस्तों इस सेल में हमें किस किस बैंक अकाउंट के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा दोस्तों इसमें वही बैंक ली गई हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे दोस्तों HDFC बैंक, ICICI बैंक और दोस्तों SBI। तो दोस्तों ये जो बैंक हैं जो ज़्यादा लोगों के पास होती हैं, इनमें अकाउंट ज़्यादा लोगों के पास होते हैं इन बैंकों में, तो इन सभी बैंकों के ऊपर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आप फ्लिपकार्ट को ज़रूर यूज करें, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको अच्छी अच्छी सेल देखने को मिल जाएंगी हर फोन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।